गुजरात विधानसभा में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस की ओर से बीजेपी की घेराबंदी अभी से शुरू कर दी है। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में चूक गई थी, लेकिन इस बार मौका हाथ से ना जाए इसलिए पार्टी ने 2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। गुजरात में दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 26 दिसंबर 2022 को गुजरात की रूपाड़ी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला ये कि ये पीएम मोदी का गृह राज्य है। मोदी पीएम बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस गुजरात जीतकर देश की जनता को संदेश देना चाहती है कि वो बीजेपी को उसके गढ़ में भी हरा सकती है। दूसरा, कांग्रेस 1985 के बाद से यहां विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुजरात जीतना बेहद जरूरी है। 2017 में गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी। बहुमत का आंकड़ा 92 था, जिसे बीजेपी ने आसानी से हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस बहुमत से थोड़ा दूर रह गई। 2 साल बाद गुजरात विधानसभा होने वाले चुनाव में अब कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने अभी से चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए 7 समितियों का गठन भी कर दिया है। जिन समितियों का गठन किया गया है उनमें कैंपेन घोषणा पत्र, रणनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन, चुनाव प्रबंधन, मीडिया और प्रचार और समन्वय के लिए समितियां शामिल हैं। घोषणा पत्र समिति का नेतृत्व अर्जुन मोडवाडिया को सौंपा गया है। अभियान समिति की अध्यक्षता दीपक बाबरिया को, रणनीति समिति का प्रमुख भरत सिंह सोलांकी और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पटेल को दी गई है। डॉक्टर तुषार चौधरी को मीडिया और प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि कादिर पीरजादा को कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव सातव समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, विधानसभा में पार्टी के नेता परेश धनानी को अधिकांश समितियों में शामिल किया गया है। ये सभी समितियां जल्दी ही काम करना शुरू कर देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।